और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। जेडीयू से नेता राजीव रंजन ने कहा है कि बिहार में जेडीयू को नरेंद्र मोदी की जरूरत नहीं है। आपको बता दें, दरअसल राजीव रंजन बीजेपी नेता राजीव प्रताप रूडी के उस बयान का जवाब दे रहे थे जिसमें रूडी ने कहा था कि बीजेपी के साथ साथ जेडीयू को मोदी की जरूरत है। राजीव रंजन ने साफ कहा है कि जेडीयू को नरेंद्र मोदी की जरूरत नहीं है। विनायक प्रसाद हमारे साथ है, हमारे संवाददाता। विनायक, एक बार फिर से जेडीयू ने साफ किया है कि उनको नरेंद्र मोदी की जरूरत नहीं है। अब देखो, जिस तरह से राजीव प्रताप रूडी का बयान आया जिसमें उन्होंने साफ किया है कि जो पोजीशन इनका है बिहार में बीजेपी और जेडीयू दोनों को नरेंद्र मोदी की जरूरत है, और खासतौर पर जैसे कि नीतीश कुमार कहते रहे कि इनका गठबंधन पुराना है, ये टूटने वाला नहीं है, करीब करीब 17 साल हो रहा है इनके पोजिशन का, तो ऐसे हालत में नरेंद्र मोदी का नाम आना, उसके बाद जिस तरह से नरेंद्र मोदी को चुनाव अभियान समिति का संयोजक बनाने की बात है, इसको लेकर के भी जेडीयू के अंदर तल्खियां हैं। हालांकि नेताओं के बयान बहुत मुखर रूप से नहीं आ रहे, लेकिन राजीव रंजन चूंकि बहुत ही लो प्रोफाइल मेंटेन करने वाले नेता है, आज पहली दफा उन्होंने अपनी जुबान खोली है और ये साफ कर रहे हैं कि बिहार में नरेंद्र मोदी को आने की आवश्यकता नहीं है। याद होगा कि इसके पहले भी 2010 में अरुण जेटली और नीतीश कुमार ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था जहां ये बात तय हुई थी कि नरेंद्र मोदी कैंपेन नहीं करेंगे, लेकिन जिस तरह से राजनाथ सिंह के फेवर है और खासतौर बिहार में एक उनका बड़ा कुंभ भी है नरेंद्र मोदी का हिमायती, वो अब बिल्कुल चाहेगा कि नरेंद्र मोदी हर तरह से बिहार में आए और आकर के यहाँ बिल्कुल इलेक्शन कैंपेन करें। तो अनुराग, तीन तरह के बयान आए हैं जेडीयू के अंदर से ही। एक तो सबसे पहला बयान आया है नीरज कुमार का, जो कि पार्टी के प्रवक्ता है, वो कह रहे हैं कि यह भाजपा का आंतरिक मामला है। दूसरा बयान राजीव रंजन, यह भी जेडीयू के प्रवक्ता है, इनकी बात सुनिए तो ये कहते हैं कि नरेंद्र मोदी का आवश्यकता नहीं है। नीतीश कुमार पोजिशन की हिमायती है। तो अब पार्टी के अंदर ही तीन तरह के बयान आ रहे हैं। देवेंद्र ठाकुर कुछ और कह रहे हैं, अली अनवर की तरफ से कुछ और बातें आ रही है। तो ऐसे हालत में ये समझ लीजिए कि ये बौखलाहट इनकी बढ़ी है, और जैसे ही नरेंद्र मोदी का प्रोजेक्शन हुआ है चुनाव अभियान समिति को लेकर के, उसके बाद ये तमाम तरीकियां बिहार में देखने को मिल रही है। चले सुन लेते राजीव रंजन ने क्या कुछ कहा। लेकिन मेरा ऐसा मानना है और देश के पैमाने है, यदि लोकसभा का चुनाव होता है तो नरेंद्र मोदी जी की जितनी जरूरत भारतीय जनता पार्टी को है उतने ही जरूरत जनता दल यूनाइटेड को बिहार में है, ये संवाद स्पष्ट रूप से जाना चाहिए। राजीव प्रताप रूडी ने क्या कुछ कहा, ये आपने सुना। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि जितनी जरूरत बीजेपी में मोदी की है, मोदी की जरूरत बीजेपी में है, उतनी ही जेडीयू को भी बिहार में जरूरत है नरेंद्र मोदी की, जिसका साफ तौर पर खंडन किया है राजीव रंजन ने, जो कि जेडीयू के प्रवक्ता हैं। जेडीयू के प्रवक्ता राजीव रंजन ने साफ कहा कि हमें किसी भी तरीके से नरेंद्र मोदी की कोई जरूरत बिहार में नहीं है।